और W के बाद आने वाला वर्ड कौन सा है भाई? कौन सा है? X. X हमें ये बोध देता है कि जीवन में हमने आज तक कई चीजों के एक्सरे निकाले होंगे, लेकिन X हमें ये सिखाता है, एक्सरे ऑफ लाइफ, कि जीवन में आपको कभी तकलीफ पड़ी, शरीर के कई अंगों के एक्सरे आपने निकाले होंगे, कभी हाथ के, कभी पैर के, कभी लंग्स के, कभी अलग अलग जगहों के एक्सरे आपने निकाले होंगे, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि भाई लाइफ को बेहतरीन बनाना है तो जीवन में कभी लाइफ का भी एक्सरे निकाल ले, देख ले जीवन में क्या चल रहा है। एक्सरे यानी क्या? यहां आपको हड्डी दुख रही है, आप जान नहीं पाओगे कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन जब आप क्लिनिक में जाओगे, अस्पताल में जाओगे, आपको खड़ा रखकर आपका एक्सरे निकाला जाएगा, और जब एक्सरे निकाल करके फोटोकॉपी आपके हाथ में आएगी, वो फिल्म आपके हाथ में आएगी, तो डॉक्टर को पता चलेगा कि परेशानी क्या है, हमारी दिक्कत यह है, लाइफ में परेशानी है, यह हमें पता है, लेकिन क्या परेशानी ये पता तब तक नहीं लगेगा जब तक हम लाइफ का एक्सरे नहीं निकाल। दुखता है ये पता है, यहां दर्द हो रहा है, यहां पीड़ा हो रही है, या पेन हो रहा है, ये पता चलता है, लेकिन तब तक उसका क्लियर नहीं हो सकता जब तक आप अस्पताल में जाकर के उसका एक्सरे निकाल लो और डॉक्टर जांच ले कि प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि उस एक्सरे के लिए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन जीवन का एक्सरे निकालने के लिए हमारे से बेहतरीन इंसान कोई नहीं, खुद का एक्सरे हम खुद ही निकाल सकते हैं, बॉडी का एक्सरे कोई दूसरा निकाल सकता है, लेकिन जीवन का एक्सरे आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका जीवन कैसा है वो आप ही जानते हो और कोई नहीं जानता, चाहे आपके गुरु हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके पति हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके उपकारी हो, चाहे आपके आस पड़ोस वाले हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका पिता हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी आपके पूरे जीवन को नहीं जान सकता, आपके संपूर्ण जीवन को आप अकेले ही जानते हैं। जीवन के कई राज ऐसे हैं जो आपको ही पता है, आपने आज तक किसी को बताया नहीं, आपने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किए, आपने आज तक किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, आपने आज तक उसको इसी के सामने डिस्क्लोज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आपको ही पता है। ऐसे कई राज जीवन में आप लेकर के बैठे हुए हो, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बॉडी के कई पार्ट्स के आज तक एक्सरे हम निकाल चुके, लेकिन एक्स हमें यह संदेश देता है, एक्सरे ऑफ लाइफ, जीवन का तो कभी एक्सरे निकालो, और जीवन का एक्सरे निकालना हो तो तीन चीजों का एक्सरे निकालना पड़े। आपको मन में सवाल हो कि गुरुदेव जीवन का एक्सरे कैसे निकाले, कहां कि तेरी तीन चीजों को चेक कर ले, तीन चीजों को ऑब्जर्व कर ले, तीन चीजों को देख ले, यदि तीन चीजें तेरी सही है, उसमें तुझे कहीं भी कमी नजर आए, उसमें तुझे पता चले कि कहीं भी प्रॉब्लम है, तो निश्चित तौर पर अपने आप को बदल लेना, निश्चित तौर पर खुद के जीवन में परिवर्तन ले आना। और इसीलिए कहा कि एक्सरे ऑफ लाइफ यदि निकालना है तो तीन चीजों का एक्सरे निकालना पड़े। कहा नंबर वन, एक्सरे ऑफ माइंड, सबसे पहले अपने मन का, अपने दिमाग का एक्सरे निकाल, माइंड में क्या चल रहा है। अभी अभी हम वही तो बात कर रहे थे कि मनोदशा बदल जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है, माइंड में देखो क्या चल रहा है, कहां जा रहा है। और मैं तो कई बार कहता हूं कि जीवन को हकीकत में जानना हो तो कभी किनारे बैठकर देखो, हम अंदर डूबे हुए हैं इसलिए जान नहीं पाते। पानी का प्रवाह क्या है, पानी किस तरह से गति कर रहा है, पानी किस तरह से जा रहा है, राइट में जा रहा है, रॉन्ग में जा रहा है, वो किसको पता चलता है? जो अंदर डूबा हुआ है वो नहीं जान पाता, जो किनारे बैठ सकता है वो ही जान पाता है। जीवन को देखना है लेकिन कैसे, किनारे बैठ करके। कभी कोशिश करो,
जीवन चल रहा है उसमें से बाहर निकल करके देखो। जिस तरह से आप दूसरे इंसान को देखते हो, इस तरह से कभी अपने आप को भी देखो। जीवन में से बाहर उठ करके, जीवन में से बाहर निकल करके, किनारे बैठकर कभी जीवन को देखिए। ये ध्यान क्यों करते थे महात्मन महापुरुष? ये ध्यान की परंपरा कहां से शुरू हुई? वो किनारे बैठने की परंपरा है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, वो बिना ध्यान के, बिना मेडिटेशन के, बिना कायोत्सर्ग के आपको पता ही नहीं चल सकता। पानी के अंदर डूबा हुआ इंसान ये तय नहीं कर पाएगा कि पानी किस तरह से जा रहा है, कैसा जा रहा है। किनारे बैठा हुआ इंसान ये देख पाएगा, जान पाएगा, जाग पाएगा, समझ पाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में कभी कोशिश करिए किनारे बैठने की। संसार के जितने भी धर्म है, संसार के जितने भी शास्त्र है, संसार के जितने भी सदगुरुओं के बोध है, वो कहीं ना कहीं यहीं जाकर अटक जाते हैं कि भाई किनारे बैठना सीख लीजिए। नदी के किनारे बैठकर नदी का जैसे हम नजारा लेते हैं, नदी को हम देखते हैं, समंदर के किनारे बैठकर जैसे हम समंदर को देखते हैं, इसी तरह से किनारे बैठकर अपने आप के जीवन को देखिए कि जीवन कहां जा रहा है, मन में क्या चल रहा है, मस्तिष्क में क्या चल रहा है, कितनी बुराइयां चल रही है, कितनी अच्छाइयां चल रही है, कितने बुरे विचार चल रहे हैं। बैठिए कभी देखिए, हमने किनारे बैठकर कभी देखा नहीं, क्योंकि हम यही समझते हैं कि मैं ही शरीर हूं, मैं ही मन हूं, मैं ही सब कुछ हूं। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कहीं ना कहीं हम उलझ जाते हैं, हम ये सबसे अलग है। इसलिए किनारे बैठने की कला जिसको आ गई, उसने जीवन को देखना सीख लिया। जिस तरह से दूसरे व्यक्ति के जीवन को देखते हैं, इसी तरह से अपने आप के जीवन को भी कभी बैठ कर देखो। एक्सरे ऑफ माइंड, मन में क्या चल रहा है, मस्तिष्क में क्या भरा हुआ है। और सच कहना, यदि हम अपने मन का, अपने माइंड का एक्सरे निकालें और किनारे बैठकर कभी देखें, कभी झांके, कभी निहारे, तो हमको पता चलेगा कि यहां अच्छाई बहुत कम है और गंदगी बहुत ज्यादा है। कभी देखे अपने मन को, कभी देखे अपने मस्तिष्क को, आपको प्रतीत होगा, आपको पता चलेगा कि यहां अच्छाई शायद 10% होगी, 20% होगी, 25% होगी, लेकिन 75% तो गंदगी भरी हुई है, कचरा भरा हुआ है। इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि हम कहीं ना कहीं दुखी होते हैं, कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, क्योंकि हमने कभी एक्सरे ऑफ माइंड किया ही नहीं, मन का एक्सरे कभी निकाला ही नहीं कि कहां जा रहा है जीवन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, समझिएगा, एक्सरे ऑफ लाइफ यदि आपको जानना है, आपके जीवन का एक्सरे यदि निकालना है, तो निश्चित तौर पर तीन चीजों का एक्सरे करके देखना होगा कि यहां क्या चल रहा है। नंबर वन, एक्सरे ऑफ माइंड। नंबर टू, एक्सरे ऑफ सॉल। सॉल यानी आत्मा। जीवन कहां जा रहा है कैसे पता चलेगा? कि कभी अपने मन को बैठ करके देखो, उसका एक्सरे निकालो। जिस तरह से हम हमारे बॉडी का एक्सरे निकालते, इसी तरह से मन का भी एक्सरे निकालो। दूसरे नंबर में हमारे आत्मा का भी एक्सरे निकालो कि क्या चल रहा है वहां पे। जो आत्मा के भीतर ये शक्ति है वो अनंत गुणी है, अनंत वीर्य उसके पास है, अनंत तेज उसके पास है, अनंत शक्ति उसके पास है, अनंत ज्ञान उसके पास है, अनंत दर्शन का वो मालिक है। कहां है ये सारी चीजें? क्यों हमें दिखाई नहीं देती? क्यों हमें प्रतीत नहीं होती? जो आत्मा के लिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा हो कि अनंत ज्ञान का वो धनी वो आत्मा है, अनंत ज्ञान का मालिक वो आत्मा है, लेकिन हम एक लाइन याद करनी हो फिर भी हम परेशान हो जाते हैं। जहां अनंत ज्ञान की बात करें, न अंत इति अनंत, जिसका कोई एंड नहीं है, एंडलेस नॉलेज के आप मालिक हो, एंडलेस ज्ञान के आप मालिक हो, लेकिन अभी देखा जाए अपने आप को, आज के दिन में हम देखें तो पता चलेगा कि हमें, हमारे पास ज्ञान क्या है, कुछ भी तो नहीं है। अनंत शक्ति के हम मालिक है, आत्मा के गुण है आठ, समझना। आप पढ़ोगे नव तत्व जीव विचार, आपको पता चलेगा कि आत्मा की शक्तियां कितनी है। अनंत शक्ति का मालिक आत्मा है। कहां है हमारे पास शक्ति?
थोड़ा सा काम कर ले हम थक जाते हैं, थोड़ा सा शरीर को परिश्रम हो जाए हम थक जाते हैं, थोड़ा सा कुछ कर ले हम परेशान हो जाते हैं, आधा घंटा यदि परमात्मा के सामने बैठकर भक्ति कर ले हमारा मन भटकने लगता है, एक माला हाथ में लेकर के बैठ जाए 10 मिनट शांति समय एक माला नहीं गिन पाते, कहां है शक्ति? वो शक्ति जो घंटों घंटों तक नहीं, महीनों महीनों तक नहीं, सालों साल तक ध्यान में रख सके, वो शक्ति आपके पास है। लेकिन घंटा और महीना तो बहुत दूर की बात है, हमारे लिए 10 मिनट भी मुश्किल हो जाता है। मैं तो कई बार कहता हूं कि समझना, अपने आप को ऑब्जर्व करना, अपने आप को चेक करना। इतने सालों से धर्म की आराधना करने के बावजूद भी, इतने सालों से धर्म की आराधना करने के बाद भी, एक नवकार वाली महामंत्र की नमस्कार महामंत्र की 108 नमस्कार महामंत्र आप बिना विकल्प के, बिना विचारों के और बिना कहीं माइंड डाइवर्ट की गिन नहीं सकते, तो फिर हमने पाया क्या? इतने सालों से नवकार वाली गिनते गिनते भी, इतने सालों से माला गिनते गिनते भी, आज भी 10 मिनट एकाग्रता पूर्वक आप माला नहीं गिन। यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको प्रतिदिन नियम होगा कि एक माला नमस्कार महामंत्र की गिननी, लेकिन आप भी जानते होंगे कैसे गिनी जाती है, आप भी जानते हो कि किस तरह से आप 108 नमस्कार महामंत्र पूरे करते हो, आप भी जानते होंगे किस तरह से आपके वो नवकार पूरे होते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि इतने सालों से धर्म करने के बाद में भी 10 मिनट की यदि एकाग्रता, 10 मिनट की स्थिरता या 10 मिनट की मन की क्षमता हम नहीं पैदा कर पाए, तो फिर हमने पाया क्या? हमने प्राप्त क्या किया? हमें मिला क्या? एक 10 मिनट की स्थिरता आपके भीतर आप नहीं पैदा कर पाए, और फिर हम ये सोचे कि ये धर्म हमें तार देगा, और फिर हम ये सोचे कि ये धर्म हमारा उद्धार कर देगा, और फिर हम ये सोचे कि ये धर्म हमें परम गति तक पहुंचा देगा। अरे धर्म के भीतर तो ताकत है, लेकिन हमारी ताकत कहां? जहां अनंत शक्ति की बात हो वहां 10 मिनट की मानसिक स्थिरता, शारीरिक की बात जाने दो, शारीरिक में कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है, लेकिन मानसिक में कहां लिमिटेशंस है? आप 10 किलोमीटर चल नहीं सकते, ये आपकी करुणता हो सकती है, ये आपकी परेशानी बन सकती है, ये आपके शरीर के भीतर क्षमता नहीं है। आप 10 किलोमीटर हमारे साथ विहार नहीं कर पाओ, पैदल नहीं चल पाओ, ये अलग बात है, लेकिन 10 मिनट बैठ नहीं पाए उसके पीछे क्या रीजन, उसके पीछे क्या कारण? 10 किलोमीटर चल नहीं पाए उसके लिए आपका रीजन सही है, लेकिन 10 मिनट बैठ नहीं पाओ उसके लिए आपके पास रीजन क्या है? हम नहीं जान पाए, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समझिएगा, कभी आत्मा का एक्सरे निकालोगे, जो आत्मा के लिए परमात्मा ने अनंत शक्ति की बात करी और वो आत्मा के हम धनी है, वो आत्मा के हम मालिक है, फिर भी हमारे पास थोड़ी सी भी शक्ति नहीं, कहां हम चूके, कहां हम मिस कर गए, कहां हम चूक गए, बड़ी सोचने वाली बात है। एक्स का ये संदेश है, एक्सरे ऑफ लाइफ, नंबर 1 एक्सरे ऑफ, एक्सरे ऑफ माइंड, नंबर 2 एक्सरे ऑफ सॉल, एंड नंबर 3 एक्सरे ऑफ रिलेशन, संबंधों का भी कभी एक्सरे निकालिए कि कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है, संबंध कैसे बन रहे हैं, किस तरह से हम संबंध में जुड़े हुए हैं, कैसे हमारे संबंध है, उसका भी कभी एक बार एक्सरे निकाली हमने आज तक सोचा नहीं। और मैं तो कई बार कहता हूं, आदमी हमेशा ये सोचता है कि दूसरे ने मेरे साथ इतनी चीटिंग की, दूसरे ने मेरे साथ इतना बुरा किया, दूसरे ने मेरे साथ इतना विश्वासघात किया, दूसरे ने मेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया। मैं आपको यह कहता हूं कि कभी बैठकर यह भी तो सोचे कि मैंने दूसरे के साथ कितनी चीटिंग की, आज तक मैंने दूसरे के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, आज तक मैंने दूसरे के साथ कितना गलत वचन का इस्तेमाल किया, आज तक मैंने दूसरे का कितना बिगाड़ा, यह भी तो कभी बैठकर सोचो। हम हमेशा यही सोचते, दूसरे ने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। अरे मैं कहता हूं कि जीवन को यदि आगे ले जाना है तो पहले यह सोचो कि मैंने बुरा कितना किया जीवन में, मैंने कितनी चीटिंग करी रिलेशनशिप में, मैंने कितने विश्वासघात किए, मैंने कितनों को धोखा दिया, मैंने कितनों को हर्ट किया, मैंने कितनों का दिल तोड़ा। कभी बैठकर सोचो तो सही,
आपको लगेगा कि दूसरे ने तो मेरे साथ क्या बुरा किया, कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने इतना बुरा किया है कि मुझे पता ही नहीं चला। दूसरे ने आपके साथ क्या बुरा किया? दो चार पांच दस लोग संसार में आपको ऐसे मिले होंगे जिन्होंने आपके साथ बुरा किया होगा, बाकी 90% लोगों ने आपके साथ अच्छा ही व्यवहार किया है, अच्छा ही बर्ताव किया है। लेकिन हमने कितना बुरा किया, हमने कितनी चीटिंग करी, हमने कितना विश्वासघात किया, हमने कितनों को ठगा, हमने कितनों के साथ बुरा व्यवहार किया, हमने कितने के साथ दंभ किया, हमने कितनों के साथ माया कपट किया, ये भी तो कभी बैठ कर सोचो, आपको लगेगा कि संसार में मेरे से बुरा इंसान कोई है। और इसीलिए हमारे यहां लिखा गया है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। कबीर जी बड़ी अच्छी बात लिखता है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब लग भीतर झांकिया तो मुझसे बुरा न कोई। जब भीतर में झांका तो पता चला कि संसार में मेरे से बुरा तो कोई है ही नहीं। और यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि जीवन में दूसरों ने आपके साथ कितना बुरा किया, ये मत सोचो तूने दूसरों के साथ कितनी चीटिंग की, कितना बुरा किया, कितना विश्वासघात किया, ये पहले सोच ले एक बार। कहां हैं हम? एक अच्छा रिलेशन, चाहे वो कल्याण मित्र का हो, चाहे वो सदगुरु का हो, चाहे वो परमपिता परमात्मा का हो, चाहे सत्य धर्म का हो, चाहे सच्चे मार्ग का हो, एक अच्छा रिलेशन आपके जीवन का कल्याण कर सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक्सरे ऑफ लाइफ, लाइफ का एक्सरे निकालना है, और लाइफ का यदि एक्सरे निकालना है तो निश्चित तौर पर तीन चीजों का एक्सरे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर में एक्सरे ऑफ, साथ में मिलकर, पहले नंबर में एक्सरे ऑफ माइंड, नंबर टू एक्सरे ऑफ सॉल, एंड नंबर थ्री एक्सरे ऑफ रिलेशन। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।